प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अभी दो दिन राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। 29 जुलाई के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद है। और इधर मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में 6 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम होने की वजह से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि अभी अगले दो दिन और मध्य प्रदेश को कोई राहत नहीं मिलने जा रही। किस तरह का मिजाज इस वक्त मौसम का है और आने वाले समय के लिए क्या कुछ फोरकास्ट? अभी जैसे देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, अच्छी खासी बारिश हो रही है। पूरी मध्य प्रदेश की बात करें 4 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल मिला हुआ है। और वही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे 3 जगह वेरी हैवी और 9 जगह पे हैवी रेनफॉल मिला है। तो अगले 24 घंटे की बात करें तो कम से कम अपने 6 जिले हैं जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वो जिले आप देख सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट विदिशा, रायसेन, हरदा, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल 115 mm से ले 204 mm तक के आसपास हो सकता। उसके अलावा 16 जिले हैं जो इससे लगे हुए हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट जारी किया गया, जहाँ 64 mm से लेकर 115 mm तक बारिश हो सकती है। लोकल राजधानी की बात करें तो अभी आज और कल का दिन अच्छा बारिश में भरा हुआ रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी बारिश की स्थिति में कमी आएगी, रिमझिम बारिश होती रहेगी। और एमपी में बारिश से कई जिलों में हाल बेहाल है। तस्वीरों में आप दिखाते हैं आपको कि किस तरह भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सिवनी में बारिश की वजह वैनगंगा नदी उफान पर आ गई है। भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोले गए। बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिवनी जिले के धनोरा और किवलारी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उधर टीकमगढ़ में भी बांध सुजारा बांध के पानी को छोड़ा गया। विदिशा में बेतवा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। झमाझम बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई मंदिर बारिश के पानी में डूब गए। तो जबलपुर के रहवासी इलाकों में इस बार की बारिश आफत की बारिश बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कॉलोनियों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। तो श्योपुर में जोरदार बारिश से पार्वती नदी में भी उफान है। नर्मदापुरम में पचमढ़ी महादेव मंदिर में पानी भर गया है और मंदिर का पहुंच मार्ग झरना बन चुका है। छिंदवाड़ा में बांध के 2 गेट खुलने पड़े और शाहजहांपुर में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो पन्ना में भी नदी नाले उफान पर। और मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। सरकार अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग का इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शहडोल संभाग कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, केन का लगातार जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। महाकाल के चरणों में जा रहा हूँ कि इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश में बरसे, देश में बरसे, क्योंकि पानी की आवश्यकता है। आज बांधों के आसपास भी क्या सुरक्षा के उपाय रखे गए हैं अगर जल्दी? नहीं, इस पर विस्तृत चर्चा मेरी सब हो गई है, क्योंकि अभी जो आपदा प्रबंधन की बैठक है उसकी भी ले ली है कि सारे प्रतिदिन प्रति घंटे किस डैम में कितना पानी बढ़ा, किस तालाब में कितना पानी बढ़ा, क्या कनाल की स्थिति है, क्या डैम की स्थिति, क्या तालाब की, इसमें पूरी विभाग निगरानी रखे हुए हैं। सीएल कोयला खदान में पानी भर गया। बारिश के पानी में 2 अधिकारी बह गए और 1 अधिकारी को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। वहीं दूसरा अधिकारी लापता है, जिसकी तलाश में गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। कुसमुंडा खदान की घटना बताई जा रही है। तो SECL कोयला खदान में पानी भर गया और इसमें 2 अफसर भी बह गए हैं। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कई जो मशीनें हैं वो पानी में धंसी हुई नजर आ रही है।
और उधर सुकमा में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश में राबोर इलाके के लेंड्रा गांव में गर्भवती महिला को खाट पर लेटाकर ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत सचिव सरपंच पर आरोप लगाते हुए बताया कि पक्की सड़क नहीं होने के कारण इसका दंश झेलना पड़ रहा है। कई बार सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मांग भी की है। और ऐसे से सिस्टम पर सवाल उठाती तस्वीर सामने आई है, जहां खाट पर शव रखकर ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर रपटे को पार करने को मजबूर हुए। सड़क ना होने से जब तक लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। समय रहते पहुंच जाते तो शायद युवक की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि बरसात के समय में कई गांव सड़क डूब जाने से प्रभावित होते हैं। मामला जिले के गीतगढ़ ग्राम पंचायत के हिनौतिया गांव का है, जहां अंबाड़ी और शक्ति हिनौतिया को जोड़ने वाली नदी पर पुल नहीं होने से ये घटना हुई। भाई साहब ऐसा है कि ये मामला है, अपनी जो नदी है ना उससे अपने को बहुत दिक्कत पड़ रही है, और क्योंकि आप उपचार अपने को बराबर नहीं मिल पा रहा है नदी चढ़ने के बाद में। जो देखो आप हादसे इधर देखो, आपको आप दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ऐसा है कि उनको उपचार नहीं मिल पा रहा, ये पुल है छोटा, और इससे कि उसको उपचार नहीं मिल पा रहा, इसको मौत हो गई, डेड हो गई। और अपनी जो डिलीवरी परमानेंट अपना जो चलता है ना, बरसात में डिलीवरी हो जाती है, उसको भी ऐसा लेकर जाना पड़ता है। ले जाएंगे सर पलंग पे जी। तो कितनी दिक्कत आती है इस नदी से नीचे पुल? अरे बहुत दिक्कत आई सर, गर्दन गड़गड़े गर्दन, नदी नदी शादी पानी है, उसमें बाद निकालने दिक्कत आती है, पर निकाले हैं। क्या हो गया था इनको, क्या केस के दे सर? तबीयत खराब हुई थी, तबीयत किसी और ज्यादा रात निकले, क्या होगा रात में। तो हर साल ऐसी दिक्कत आती है इसमें, हर साल दिक्कत आती है इसमें। खबर कांकेर से, जहां भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कैसो कोड़ी नदी में कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर बीच नदी में फंस गया। लोगों ने अपनी जान तैरकर बचाई। वहीं के 36 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जिनका ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने अभी 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कांकेर शहर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में भर गया है। घरों में घुटने तक पानी है, गली मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हो चुका है। जल भराव से लोगों में गुस्सा है, दुकानदारों ने चक्का जाम भी किया। और लगातार हो रही बारिश से किरंदुल के निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों NMDC का डैम फूटने से भारी तबाही हुई। बारिश से लोग बेहद परेशान हो गए, घरों में पानी भरा हुआ है। कई महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया गया है। और बीजापुर के कई इलाकों में फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 163 तारलागुड़ा और नेशनल हाईवे 63 पर बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूट चुका है। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से भैरमगढ़ में हालात खराब है। 50 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। NMDC का डैम टूटने से बाढ़ की चपेट में आए किरंदुल शहर में पानी बढ़ गया है। प्रशासन लोगों से घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह रहा है। वहीं कांकेर के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कोयली बेड़ा की मेढकी नदी उफान पर है, ऐसे में ग्रामीण साप्ताहिक बाजार भी नहीं जा पा रहे। इधर बिलासपुर में बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, तो गरियाबंद के मैनपुर कला में नाला में बाढ़ आ गई। इसके साथ ही बीजापुर भोपालपट्टनम ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 163 तारलागुड़ा और नेशनल हाईवे 63 पर बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। और राजनांदगांव में मछली पालन विभाग की महिला अधिकारी गीतांजलि गजभिये को 2,16,00,000 रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गीतांजलि गजभिये पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज पेश करके अपने रिश्तेदारों के नाम पर अनियमित करते हुए शासन को करोड़ों का चूना लगाया। मामले में FIR दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद गीतांजलि गजभिये लंबे समय से फरार चल रही थी, जिसे पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया।
मछली पालन विभाग राजनांदगांव द्वारा जांच के उपरांत एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 4 जुलाई 2024 को FIR दर्ज कराया गया था कि उनके विभाग में लगभग 2,16,00,000 रुपए का गबन किया गया है। जांच उपरांत जो है वहां पे जो सहायक संचालक थी गीतांजलि गजबिये, उनको अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। वहीं बीजापुर में 10 साल का मासूम आईडी की चपेट में आ गया, धमाके से उसके पैर जख्मी हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट कर रखा था। मामला जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने मुंदवेंडी और पीडिया के बीच प्रेशर आईडी प्लांट किया था। पटेल पारा का हिडमा कवासी बकरी चराने के लिए गया हुआ था, इसी दौरान मुरम पारा के नजदीक आईडी पर उसका पैर पड़ गया और जोर का धमाका हो गया, उसके पैर के चिथड़े हो गए। बात बलरामपुर की, बलरामपुर के स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों से अभद्रता का मामला सामने आया। राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 2 नर्स सस्पेंड की गई हैं। टीचर के साथ बच्चे पहुंचे थे इलाज कराने के लिए। सोशल मीडिया पर अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। नहीं, टेबल में देखने बोलते हैं तो, हाँ तो किसी के भी टेबल हम ऐसे थोड़ी देख लेंगे मैम। और खबर गरियाबंद से, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये विवाद सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए। गुस्साए ग्रामीण थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ FIR की मांग की गई। रवेली के ग्राम पटेल पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग शासकीय जमीन को कब्जा कर रखे थे और जब उन्हें मना किया गया तो वो मिलकर जो है ग्राम प्रमुख और एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसके बाद तमाम ग्रामीण आक्रोशित होकर थाना पहुंचे हैं और उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहां पर पानी टंकी का निर्माण होना है, इसी को लेकर ग्रामीण ये चाहते कि उस जगह पर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है तो जो कब्जा किए हैं, जो काबिज किए हैं वो छोड़ दे। लेकिन ऐसा मना करने पर ग्राम पटेल जब वहां पर पहुंचे तो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और जो कब्जा किए थे वही लोग मिलकर ग्राम पटेल पर जानलेवा हमला कर दिए, जिसके बाद अब फिंगेश्वर थाना पहुंचकर ग्रामीण उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस हमला में ग्राम पटेल और एक ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका उपचार फिंगेश्वर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। धार में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने जिले के बड़े अधिकारियों को एक एक स्कूल गोद लेने को कहा था और इसी पहल को धार के परिवहन विभाग ने आगे बढ़ाते हुए देलमी के शासकीय स्कूल को गोद लिया और इस स्कूल को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर और स्कूल के बच्चों को जूते उपलब्ध कराए। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने खुद यहां पहुंचकर बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए। इस दौरान बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। पूर्व में जो समय सीमा बैठक होती है उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि सभी जिला अधिकारी जो हैं एक एक विद्यालय को गोद लेने के लिए प्रयास करें। उसी के तारतम्य में परिवहन विभाग ने एक स्कूल जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय डेलमी है उसको गोद लेने का प्रयास किया है और उसी के तारतम्य में अभी कुछ टेबल्स और कुछ शूज़ जो हैं बच्चों को उपलब्ध करवाए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और बुरहानपुर में एक शराब दुकान के पास पोस्टर पर लिखा वाक्य पढ़कर कलेक्टर भड़क गई। पोस्टर पर लिखा था दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जब पोस्टर पढ़ा तो वे भड़क गईं और कहा कि इस तरह के पोस्टर से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इस तरह की पोस्टरबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबकारी विभाग ने पोस्टर तुरंत हटवा भी दिया। सीखे यानी उनका कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई भी बच्चा या पीए और यानी इंग्लिश बोलना सीखे। हाँ। तो ऐसे तो सर यानी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस पढ़ी है, वहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं जो यानी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं वो पढ़ के उनको यानी ध्यान भटकता है, मतलब भ्रमित करने वाला बोर्ड। हाँ।
हाँ है ना, दिन दहाड़े इंग्लिश सीखे थे का। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टूडेंट लोगों का कहना कि ये हम लोगों को भ्रमित करने के लिए पोस्टर लगा है। अभी आपके माध्यम से मुझे इस बारे में सूचना मिली है, इसमें हम अपने आबकारी अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। जिसने ये लगाया उसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। जी बिल्कुल। और ग्वालियर में यूपी की छात्रा के साथ रेप की घटना हुई है। बीबीए की छात्रा के साथ उसके साथी ने रेप की वारदात अंजाम दी। आरोपी ने घटना के दौरान छात्रा के न्यूड फोटो बनाए थे। छात्रा ने शादी से इनकार किया तो आरोपी ने छात्रा के चचेरे भाई को न्यूड फोटो भेज दिए थे। छात्रा ने टीकमगढ़ में जीरो पर FIR दर्ज कराई है। वहीं केस ग्वालियर कोतवाली थाने पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती ने टीकमगढ़ में जो है जीरो पर रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी रिपोर्ट ट्रांसफर होकर कोतवाली ग्वालियर में आ गई है। उस पर से असल अपराध पंजीवृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल उसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। प्रकरण की विवेचना की जा रही है और आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और रीवा में बीच चौराहे पर महिला से लूट की घटना सामने आई है। दरअसल रीवा में बाइक गैंग का बोलबाला हो गया है। TRS कॉलेज के चौराहे के पास एक महिला से लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार दो लोगों ने उस समय महिला का बैग छीना जब वो अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर सवार थे। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर काम शुरू कर दिया है। अरे सर, बाइक से तो जा रही थी, मुझे तो लगा कि मेरा पर्स गाड़ी में किसी के फंसा है। जब वो छीन के भाग दिए तब तो मैं देखी तो मेरा पर्स ही ले गए, उसमें 200 मंगलसूत्र डाले हैं सर, मोबाइल डाला, पिन कार्ड, आधार कार्ड, जितना मेरा है पैसे 3-4 हजार सब कुछ तो डाले हैं उसी में। झटका छीन के ले गया गाड़ी चलते में, बाइक तो मेरी चल रही थी। घटना ये हुई कि हम सिरमौर चौराहा से जा रहे थे अपने मैडम और बच्चे को बैठा के नए बस स्टैंड बर्थडे पार्टी में। तो अभी ये क्या किया कि ब्रिज के नीचे गए और जैसे गए तो वो दो मोटरसाइकिल वाले आए तो मैडम का पर्स छीन के भाग दिए और कॉलेज चौराहा से डायरेक्ट लेके ओवर ब्रिज से चढ़ गए। अरे जो छीन के गए जी, पहचान हो जानते हैं वो काली कलर की बाइक लिए थे, अपाची टाइप में थी, दो आदमी थे, मुंह बांधे थे। और देवास में डायरिया से बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डायरिया के आउटब्रेक के लिए राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग टीम कर्णावद पहुंची है, जहां सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों को मेडिकल सलाह दी जा रही है। डायरिया बीमारी पर कैसे रोक लगे इसके लिए टीम लगातार गांव में काम कर रही है। कुछ जगह पर जो टंकियां रखी हैं पानी की, उनका रीजन हो सकता है क्योंकि अभी तो पानी है नहीं, उसमें साफ पानी है, पर हो सकता है कि उनकी वजह से ये बीमारी फैली हो और हो सकता है कि दूसरा कोई कारण हो। तो सभी प्रकार के सैंपल हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम ने ले लिए हैं, ब्लड के, उसके और वाटर के, ताकि आगे जो भी। खबर भिंड से, जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला हो गया। सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडी चले। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी से मारपीट की। पुलिस ने घायल पटवारी को भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। लहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ गांव की घटना है ये। तो इधर मुरैना और टीकमगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया है। मुरैना में युवक के साथ सड़क पर मारपीट की गई। 2 से 3 लोगों ने युवक को पीटा जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं टीकमगढ़ में बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। बदमाशों ने गांधी चौराहे पर युवक को पीट दिया। मामला कोतवाली के पास का है। और खबर दिल्ली से है, जहां एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्र फंस गए हैं। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से एक छात्र की मौत भी हो गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्र फंस गए। NDRF की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और इस वजह से एक छात्र की मौत भी हो गई, जबकि 3 छात्र इसी बेसमेंट में फंस गए।
और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी और इमैनुअल मैक्रों गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हुई मीटिंग में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और इमैनुअल मैक्रों के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए थे। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी हैं। तो पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है, तो पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ की इस साझेदारी में इंडिया हाउस बनाया गया है। ये ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस है। इंडिया पेरिस में बना इंडिया हाउस भारतीय संस्कृति, कला, खेल, टेक्नोलॉजी और खाने की वैरायटी में एक बेहतरीन अनुभव देता है। हाउस ने ग्लोबल लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड ब्यूटीफुल इंडिया को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है। इंडिया हाउस 27 जुलाई से 11 अगस्त तक खुला रहेगा। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि इंडिया हाउस के जरिए दुनिया को भारत की विरासत का नजारा देखने को मिलेगा। More power to Jyoti and every young girl and boy in India and around the world who find the courage, passion and discipline to chase their dreams and make them come true. Today, we salute all the athletes from around the world competing in Paris and send them our compliments, congratulations and best wishes for the games. Friends, at India House, we welcome the world to experience the beauty, diversity, and rich heritage of India right here in the heart of Paris. India House is not a destination. It's a new beginning for India. And to celebrate it, we have a short program that brings you the essence and the spirit of our country. I hope you enjoy it and I wish you all a wonderful time at the Games. May they embody the noble values of sport and Olympism. Sport is the biggest unifier and our world and our children need it now more than ever before. Thank you. Dhanyavaad. Jai Hind. और इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।